हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि मिंत्रा की सक्सेस स्टोरी क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मिंत्रा को अलग बनाती है और उसकी सक्सेस को सपोर्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिंत्रा इंडियन फैशन ई कॉमर्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और वो ऑल एज ग्रुप्स के गारमेंट्स, एक्सेसरीज, शूज़ एंड फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है। मिंत्रा को मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया एंड विनीत सक्सेना ने 2007 में शुरू किया था। इन तीनों ने अपने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की थी। दोस्तों, मिंत्रा को लॉन्च करने से पहले मुकेश बंसल चार स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर रह चुके हैं। उस टाइम पर इंडिया में मिंत्रा ऐसी दूसरी B2B फैशन स्टोर लॉन्च हुई थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में मिंत्रा का कितना नाम है और यूजर्स मिंत्रा पर कितना भरोसा करती है। शुरुआती सालों में मिंत्रा ने ओनली पर्सनलाइज प्रोडक्ट बेचने में ध्यान दिया था। टी शर्ट से लेकर कॉफ़ी मग, वाइन ग्लासेस, माउस पैड्स और भी बहुत कुछ, कोई भी अपना प्रोडक्ट पर्सनलाइज डिज़ाइन करवा सकता था। जब मिंत्रा लॉन्च हुई थी तब ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती थी। मुकेश बंसल ने इंडस्ट्री एग्जीबिशंस और कॉरपोरेट गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट किया ताकि वो अच्छा B2B मॉडल बना सकें। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मिंत्रा से पर्सनलाइज प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे थे और सब कुछ सही जा रहा था, पर मुकेश बंसल इतने में सेटिस्फाई नहीं थे। वो कहते हैं ना, जिसके अंदर सक्सेस की भूख हो उसका निवाला कोई नहीं छीन सकता। 2010 के बीच में बंसल और उनके इन्वेस्टर को लगा कि पर्सनलाइजेशन एक नीश मतलब छोटा मार्केट है अगर हमको बड़े स्केल पर जाना है तो, और दूसरी तरफ फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। बंसल को लगा कि थोड़े सालों में फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल का मार्केट $50 बिलियन टच कर देगा, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना मिंत्रा को ई कॉमर्स प्लेयर में ट्रांसफॉर्म किया जाए और फैशन और लाइफस्टाइल मतलब ब्रांडेड शूज़, क्लोथिंग, एक्सेसरीज को बेचने में ध्यान दिया जाए। और वहीं से मिंत्रा की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। 2012 में कम से कम मिंत्रा ने 350 इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड ऑफर कर चुकी थी अपनी वेबसाइट पर। मिंत्रा ने बीइंग ह्यूमन और फास्ट ट्रैक की वॉचेस भी लॉन्च कर दी थी अपनी वेबसाइट पर। 2014 तक मिंत्रा के पोर्टफोलियो में 1000 ब्रांड्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट इंक्लूडेड थे। 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया था और इस परचेज को 2 लार्ज कॉमन शेयर होल्डर्स जो कि टाइगर ग्लोबल और एक्सेल पार्टनर्स ने इन्फ्लुएंस किया था। पर यह पहले से डिसाइड हो गया था कि मिंत्रा फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज नहीं होगी बल्कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी। 2015 में आनंद नारायण मिंत्रा के CEO बन गए थे। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। बिजनेस अपने आप को मैनेज करने के लिए ऑपरेशंस में चेंजेस करती है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट हो जाए, और मिंत्रा ने वही किया। 10 मई 2015 को मिंत्रा ने अनाउंस किया कि वो अपनी वेबसाइट बंद कर रही है। मिंत्रा सिर्फ मोबाइल ऐप से ही ऑपरेट होगा और परिणाम ये हुआ कि मिंत्रा की सेल्स 10% से नीचे गिर गई। और फिर फरवरी 2016 में उन्होंने अपनी न्यू डिज़ाइन वेबसाइट चालू की क्योंकि ऐप मॉडल तो फेल हो गया था। उस टाइम जैबोंग का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर था, तो जुलाई 2016 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा के थ्रू जैबोंग को $70 मिलियन में एक्वायर कर लिया। दोस्तों, ये बात सीखने वाली है कि जो चीज़ हमको दिक्कत दे रही है उसी को अपने वश में कर लो, जैसा कि मिंत्रा ने किया। अगर मिंत्रा उस टाइम पर जैबोंग को एक्वायर नहीं करता तो शायद आज मार्केट कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता और उसके कारण उसके सेल में गिरावट देखने को मिल सकती थी। दोस्तों, आज मिंत्रा की 100 मिलियन से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है। अच्छी स्ट्रेटजीज और लॉजिस्टिक की वजह से आज मिंत्रा इस पोजीशन पर है। मिंत्रा का एक सक्सेस फैक्टर है अडेप्टेबिलिटी। बिजनेस टू बिजनेस से बिजनेस टू कंज्यूमर में शिफ्ट होने का डिसीजन एकदम सही था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ए गुड डिसीजन कैन टेक योर प्लेस वेर यू कान थिंक ऑफ। एक अच्छा डिसीजन आपको ऐसी जगह लेके जा सकता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।